तो चलिए अभी अंदर लेके आप लोग चलते हैं, 108 कुंजों को भी दर्शन करवाएंगे। तो देख सकते हो उधर सारा जितना भी कलश यात्रा जो हुआ था, कलश का जो चुका सब है, सब यहाँ पर रखा हुआ देख सकते हो एक जगह। यहाँ का सारा 108 कुंजों का दर्शन करवाएंगे, जितना भी यहाँ पर आप लोग कुंज नजर आ रहा होगा, 108 कुंजों का यहाँ पर महायज्ञ चल रहा है दोस्तों। देख सकते हो सभी कुंजों में सभी लोग अपना भजन कीर्तन में लगे हुए हैं, चारों तरफ इधर देख सकते हो, इधर भी पीछे भी देख सकते हो और इधर भी देख सकते, चारों तरफ आप लोग नजर आ रहा है दोस्तों। चलिए अभी अंदर लेके आप लोग चलते हैं, 108 कुंजों को भी दर्शन करवाएंगे। तो देख सकते हो इधर सारा जितना भी कलश यात्रा जो हुआ था, कलश का जो चुका सब है, सब यहाँ पर रखा हुआ देख सकते हो, एक जगह सब जमा करके रखे हुए हैं। यहाँ अभी देख सकते हो यहाँ बांस का जो ग्राउंड बना के रखा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर पूजा हुआ है और देख सकते हो कितना ज़्यादा कलश यात्रा यहाँ पर रखा हुआ है। चारों तरफ से देख सकते हो आप लोग, पूरा चुन्नी बांधा हुआ है, पूरा कलश यात्रा रखा हुआ है। उधर 108 कुंजों को भी दर्शन करवाएंगे दोस्तों, देख सकते हो चारों तरफ का नज़ारा किस प्रकार से। और यहाँ पर आप लोग आराम से तो पत्थर का भी दर्शन करवा दिए। जो कि दोस्तों कलयुग में राम सेतु पत्थर को दर्शन करके जीवन धन्य हो गया और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा दोस्तों। इधर भी दिखा दो, चलिए देखिए यहाँ पर 108 कुंजों का महायज्ञ है और इधर चलिए आप लोग दिखाते हैं इधर भी। और काफ़ी सुंदर लग रहा है दोस्तों देखने में यहाँ पर, और नज़ारा तो काफ़ी खूबसूरत वाला है, आप लोग इधर देख सकते हो सभी है ना। अभी सारा अभी श्रद्धालु जन यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर देख सकते हो और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है दोस्तों देखने में, देख सकते हो यहाँ पर है ना सभी श्रद्धालु लोग, देखिए किस प्रकार से अपना पूजा पाठ में लगे हुए हैं। कुंज में भी भजन कीर्तन सबका चल रहा है देख सकते हो इधर, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। और चलिए आप लोग उधर भी जाके सब सारा जगह आप लोग को दिखाते हैं है ना। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर 108 कुंज में और यहाँ का आप लोग एक एक करके अच्छी तरह से दर्शन करवाते हैं। और इधर देख सकते हो चारों तरफ का नज़ारा किस प्रकार से यहाँ पर है। हाथ बाड़िए दादा रानी का मंगलमय कामना करी।